हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम देख रहे थे सॉइल एज अ रिसोर्स। और लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा किस टाइप की सॉइल्स होती हैं, जिसमें तीन सॉइल्स हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर की हैं, जो है ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल और रेड एंड येलो सॉइल। अब इस वीडियो में हम अपने आगे की सॉइल्स को देखेंगे। लैटेराइट सॉइल जो है वो हमारा पहला टॉपिक है इसमें। लैटेराइट जो है ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से, मतलब लैटर, विच मीन्स ब्रिक। मतलब ब्रिक जो होता है, ईट जो होती है घर बनाने के लिए लगती है, वो ब्रिक्स का मतलब होता है लेटर, जिसे लैटिन में कहा जाता है, और इसीलिए इसको लैटराइट सॉइल कहा गया है। लैटराइट सॉइल जो है वो डेवलप होती है ऐसे एरियाज में जहाँ हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल होती है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि इंटेंस लीचिंग, इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा लीचिंग होता है ड्यू टू हैवी रेन। ह्यूमस कंटेंट जो होता है इस सॉइल के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमस कंटेंट की बात करें, मतलब कह सकते हैं ऑर्गेनिक जो हमारा सब्सटेंस है, कंटेंट जो होता है इसके अंदर सॉइल के अंदर, ये सॉरी बहुत लो होता है, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली डिकम्पोजर्स जो हैं जैसे बैक्टीरिया, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हाई टेम्परेचर के कारण, मतलब इसमें जिंदा नहीं रह पाते, मर जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि बहुत ही कम होता है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या डिकम्पोजर्स का। लैटेराइट सॉइल जो है सूटेबल होती है कल्टिवेशन के लिए जब एडिक्वेट डोजेस उसे दिए जाए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के। ये सॉइल्स जो है मेनली फाउंड होती है कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कुछ हाईली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड आसाम। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स, पर्टिकुलरली हिली एरियाज में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के, तो सॉइल बहुत ही यूजफुल होती है टी को ग्रो करने के लिए और कॉफी को ग्रो करने के लिए। मतलब ये वाली सॉइल में टी और कॉफी जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है। रेड लैटेराइट सॉइल तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और केरला में बहुत ही सुटेबल है कैश्यू नट के ग्रोथ के लिए या कैश्यू नट के कल्टीवेशन के लिए। ये लैटेराइट सॉइल का यूज किया जाता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में। नेक्स्ट सॉइल हमारी एरिड सॉइल। एरिड सॉइल्स जो है वो रेंज करती है फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, मतलब लाल से थोड़ा थोड़ा डार्क लाल करके ब्राउन इस तरह से कलर होता है। ये जनरली सैंडी होती है टेक्सचर में एंड सलाइन इन नेचर। कुछ एरियाज जो है सॉल्ट कंटेंट के वो बहुत ही हाई होते हैं, और कॉमन सॉल्ट वहाँ पर ऑप्टेन होता है जब इवोपोरेशन होता है वाटर का, मतलब पानी जो है उड़ जाता है, हवा बन जाता है, वेपर बन जाता है, तो वहाँ जो बचता है वो सॉल्ट होता है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, मतलब सूखे क्लाइमेट के कारण हाई टेम्परेचर होता है और इवोपोरेशन बहुत ही फास्टर होता है, और सॉइल जो है उसके अंदर लैकिंग हो जाती है ह्यूमस और मॉइस्चर की। लो हॉरिजन ऑफ सॉइल जो है ऑक्यूपाइड किए जाते हैं बाय कैंकर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। कैंकर लेयर जो है फॉर्मेशन, कैंकर लेयर फॉर्मेशन जो है बॉटम में होता है हॉरिजन के, जो रेस्ट्रिक करता है इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को। आफ्टर मतलब प्रॉपर इरीगेशन के बाद में जैसे सॉइल जो है बिकम कल्टिवेबल एंड हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। आप देख सकते हैं एरिड सॉइल हमें किस तरह से दी गई है। फॉरेस्ट सॉइल की बात करें अब हम, तो ये सॉइल्स फाउंड होती हैं हिली और माउंटेनियस एरियाज में जहाँ पर सफिशियंट रेन फॉरेस्ट जो है वो अवेलेबल है। सॉइल का टेक्सचर जो है वेरी करता है अकॉर्डिंग टू माउंटेन एनवायरमेंट। माउंटेन का एनवायरमेंट किस तरह से, उसके ऊपर डिपेंड करता है सॉइल का टेक्सचर जहाँ पर वो फॉर्म हो रही है। ये लोमी और स्लिटी हो सकती है इन वैली साइड्स और कोरस ग्रेन इन द अपर स्लोप। इन द स्नो कवर्ड एरियाज, ऐसी जगह जहाँ पर स्नो कवर है ऑफ हिमालयाज, ये सॉइल एक्सपीरियंस करती है डिनोडेशन को एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। और ये बहुत ही एसिडिक होती है जिसके अंदर ह्यूमस का कंटेंट बहुत ही कम होता है। सॉइल्स जो फाउंड होती है लोअर पार्ट्स ऑफ वैलीज में, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस और एल्यूवियल फैंस, ये बहुत ही फर्टाइल होती है या बहुत ही अच्छी सॉइल होती है। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोड हो जाना मतलब सॉइल बह जाना, और सॉइल कंजर्वेशन, ये दो टॉपिक हमें पढ़ने हैं। द डिनोडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब एज सॉइल इरोजन। डिनोडेशन हो जाना सॉइल का मतलब कि ऊपर की जो सॉइल की लेयर है वो बह जाना, या किसी कारण, हवा के कारण या पानी के कारण बह जाना अपनी जगह से, उससे या वॉश हो जाना, उसे क्या है सॉइल इरोजन। प्रोसेस जो होती है सॉइल फॉर्मेशन की और इरोजन की, ये साइमल्टेनियसली चलते रहती है।
जनरली देर इज बैलेंस बिटवीन टू, दोनों के बीच में बैलेंस है। हमें ऐसा कभी नहीं दिखा कि सॉइल पूरी तरह से इरोड हो गई और वहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसा कभी नहीं होता। सॉइल बहती भी जाती है और सॉइल जो है वहां पर फॉर्म भी होती जाती है, इसलिए हमें ये चीजें एक साथ देखने को नहीं मिलती है। ऐसे एकदम से अचानक देखने को मिला सॉइल पूरी इरोड होगी, ऐसा नहीं होता। दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते रहती हैं, एक साथ चलते रहती हैं। कभी कभी ये बैलेंस जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू, जैसे हम लोगों की एक्टिविटीज के थ्रू, डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर लिया या माइनिंग कर लिया, तो ये जो है कभी कभी डिस्टर्ब कर सकता है इन दोनों चीजों के बैलेंस को। मतलब सॉइल फॉर्म होना और सॉइल इरोड होना दोनों एक साथ चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से इनके बीच में डिस्टर्बेंस आ जाता है। वेल नेचुरल फोर्सेज जैसे विंड, ग्लेशियर, वाटर, इसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है। रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल एज गलीज। क्या होता है, जब बहता हुआ पानी जब जाता है तो वो कट करता है क्ले सॉइल को और डीप चैनल्स जैसे कि गलीज जो है, ये देख सकते हैं डायग्राम में आप, इस तरह के गड्ढे जो है वो बना देता है। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन, और ऐसी लैंड पे हम कल्टिवेशन कर ही नहीं सकते, तो ये बिल्कुल अनफिट हो जाती है कल्टिवेशन के लिए और इसे बैड लैंड कहा जाता है। इन द चंबल बेसिन जैसे कि लैंड्स को रिवाइंस कहा जाता है। कभी कभी समटाइम्स वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज ड्यू टू स्लोप, कभी कभी वाटर फ्लो करता है एज अ शीट लार्ज एरियाज में डाउन द स्लोप, और ऐसे केसेस में टॉप सॉइल जो है वो बह जाती है, वॉश अवे हो जाती है, और इसी को कहते हैं शीट इरोजन। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग डाउन स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। अगर विंड के थ्रू हो रही है, सॉइल्स जो है वो उड़ जा रही है, हवा बहुत तेज है जिसके कारण ऊपर की जो लेयर है वो पूरी सॉइल की बहने लग गई है, इरोड होने लग गई, तो उसे विंड इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन जो है कॉज होता है ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग की टेक्निक्स या मेथड भी अगर हमने गलत कुछ इस्तेमाल की है तो भी हमारा सॉइल इरोजन होता है। प्लगिंग इन द रॉन्ग वे, गलत तरीके से प्लग करना, दैट इज अप एंड डाउन स्लोप फ्रॉम चैनल्स फॉर अ क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। हम सोचते हैं कि ऊपर नीचे अपर एंड लोअर हम अप एंड डाउन कर देते हैं स्लोप को चैनल्स के, ताकि वाटर जो है क्विक फ्लो हो सके वाटर का, जिसके कारण भी सॉइल इरोजन हो सकता है। प्लगिंग अलोंग द कंटूर लाइन्स कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। अगर आप प्लगिंग कर रहे हो काउंटर लाइन्स के आसपास में, अलॉन्ग द काउंटर लाइन्स, तो ये आपके फ्लो ऑफ वाटर को भी डिसलरेट कर देगा, मतलब कम कर देगा स्लोप्स पे, और इसको कहते हैं काउंटर प्लगिंग। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेसेस, स्टेप्स को आप कट कर दीजिए और वहाँ टेरेसेस बना दीजिए जिसके कारण पानी या सॉइल जो है बहने से रुक सकती है। टेरेस कल्टिवेशन रेस्ट्रिक्ट कर देगा इरोजन को, मतलब रोक देगा या कम कर देगा। वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज जो है ये वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लार्ज फील्ड्स जो है वो डिवाइड की गई हैं स्ट्रिप्स में, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस जो है ये ग्रो करते हैं, छोड़ दी गई हैं ग्रो होने के लिए बिटवीन द क्रॉप्स, और ये ब्रेकअप करती है फोर्स ऑफ विंड को, और ये मेथड को कहा जाता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि क्रॉप्स के बीच में अलग से पेड़ पौधे जो है या स्ट्रिप्स जो है लगाई जाती हैं, या पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ग्रासेस लगा दी जाती हैं, जिसके कारण इरोजन जो है वो रुक जाता है। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे, प्लांटिंग लाइन्स जो है वो बना देनी चाहिए ट्रीज के लिए, ताकि शेल्टर एक क्रिएट हो सके जिसके कारण ये जो चीज है इरोजन की वो रुक सके। ये शेल्टर बेल्ट जो है कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबिलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबिलाइजिंग द डेजर्ट इन द वेस्ट इंडिया। आप देख सकते हैं यहाँ में दिया है स्टेट ऑफ इंडियंस एनवायरमेंट, ये आपको एक एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है जो आपको करनी है। तो दोस्तों फाइनली हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, ये लास्ट में जो है एक एक्टिविटी है शायद, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमें स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट दिया है, द विलेज ऑफ सुखोमोजरी इन द डिस्ट्रिक्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झाबुआ हैव शोन दैट इट इज पॉसिबल टू रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन। उन्होंने ऐसा शो किया कि ये पॉसिबल है या मुमकिन है रिवर्स करना लैंड डिग्रेडेशन को। ट्री डेंसिटी जो थी सुखोमोजरी में वो इंक्रीज हुई फ्रॉम 13% जो 1976 में थी टू 1272 पर हेक्टर इन 1992। इंक्रीज हुई 13 पर हेक्टर से 1272 पर हेक्टर।
रीजनरेशन जो है एनवायरमेंट का, इसके कारण लीड मतलब इसके कारण इकोनॉमिक वेलबींग बहुत अच्छा हो सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी, इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड एनिमल केयर एंड कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज इनकम्स. एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम जो है इन सुकमर्जी रेंज में वो है ₹10,000 से ₹15,000 जो 1979 से 1984 के बीच की है. पीपल्स मैनेजमेंट बहुत ही इसेंशियल है इकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन के लिए. पीपल्स बींग मेड द डिसीजन मेकर्स बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 2.9 मिलियन हेक्टर्स जो और अबाउट 1% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया ये ग्रीन किया गया है अक्रॉस द स्टेट थ्रू वाटर शेड मैनेजमेंट. वाटर शेड मैनेजमेंट के थ्रू इतना एरिया जो है वो ग्रीन किया गया है या वहाँ पर क्रॉप कल्टिवेशन हुए हैं या वाटर शेड्स के लिए प्रिपरेशन की गई है. तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था. रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा, डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज के बारे में. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है दोस्तों. फॉर द चैप्टर्स के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें. और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. थैंक्स अलॉट.